हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी यूट्यूब क्लास के साथ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। तो उठने के साथ ही मैंने किया है गर्म पानी, ब्रश करने और फ्रेश होने के बाद मैं पी रही हूँ पानी और उसके साथ करूँगी यूट्यूब पे क्लास। अभी नोट्स का रिविजन आधे घंटे तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है और ठंड भी लग रही है। तो थोड़ी क्लास के साथ अपनी नींद को भगा लेती हूँ, उसके बाद नोट्स पढ़ूंगी। साथ में मैंने चाय भी बना लिया है क्योंकि ये कल दिन का ही दूध है, तो मैंने सोचा कि कहीं ये खराब ना हो जाए तो चाय ही बना लेती हूँ। और दूसरी बात कि नींद भी भाग जाएगी चाय पी के। सुबह सुबह तो ऑनलाइन क्लास ही बेस्ट रहती है नींद को भगाने के लिए क्योंकि फुल वॉल्यूम में क्लास स्टार्ट कर दो, उसके बाद लिखना भी होता है, माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट रहता है तो नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। अभी मैं दूध वाले अंकल जी का हिसाब भी करके आई हूँ और बाप रे कितना खर्चा होता है छोटी छोटी चीजों में भी। जब घर वाले खर्च करते हैं तो लगता है अरे बाप रे इतने सारे पैसे खर्च हो गए हमारे, लेकिन जब भी अब मैं अकेले रह रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि छोटी छोटी चीजों में भी थोड़े थोड़े करके पैसे चले ही जाते हैं। रूम का रेंट, बिजली का बिल, पानी का, दूध का, राशन, किराया, इटीसी। मंथ के स्टार्टिंग में तो सबका एस्टिमेट लगा के चलती हूँ कि इतने में हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ उससे बहुत ज्यादा खर्च हो चुका होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी जो कॉलेज के दौरान ये सोच रहे हैं कि बस निकलते ही मुझे जॉब करनी ही है, तो ना भाई रुको जरा। जब तक इतने कैपेबल ना हो जाओ कि ऐसी जॉब मिले जिसकी सैलरी से तुम एक आईफोन ले सको, तब तक स्टैंड ही मत करो, मतलब प्रिपेरेशन करो उसके। अभी मैंने प्रेस गर्म होने के लिए लगा दिया था, तब तक मैंने सोचा पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने सूट को प्रेस। आज ड्यूटी भी जाना है और मुझे दुनिया के सबसे दो ही बोरिंग काम लगते हैं, पहला तो ये प्रेस करना और दूसरा लहसुन छिलना। मुझे लगता है यार ये दोनों काम कोई कर दे और घर का पूरा काम मैं कर सकती हूँ, A to Z, घर का भी और बाहर का भी। लेकिन ये दो काम से मुझे इतना दूर भागने का मन करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे लिए यहाँ कपड़े प्रेस करके कौन देगा। अभी मैं लगा रही हूँ अपने आंगन में पोछा, यहाँ पे अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ, जो मेरी पड़ोसी हैं वो तो 10-15 दिन के लिए घर गई हैं तो मुझे ही साफ सफाई रखनी पड़ेगी। मैंने तो सोचा था कि 1-2 दिन बीच करके कभी साफ सफाई कर दूंगी, लेकिन ऊपर अकेले मैं ही हूँ और साफ नहीं रहेगा तो मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। और इस वाइपर से पोछा लगाने में कितना ही टाइम लगता है, तो फटाफट यहाँ पे पोछा लगाने के बाद नहाने के लिए जाऊंगी। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो सारा काम अच्छे से हो जाता है, लेकिन जिस दिन ड्यूटी जाना होता है इतनी भागम भाग लगी होती है क्योंकि अगर एक भी काम रह जाता है तो वो चीज मेरे दिमाग में चलने लगती है कि ये तो रह गया। इसलिए जितना टाइम मैं जिस काम को देती हूँ उतने में ही करने की कोशिश करती हूँ ताकि सारा काम मेरा निपट जाए। अभी मैं धो रही हूँ बर्तन, थोड़े थोड़े करके बर्तन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बस पानी पीने का, चाय पीने का या फिर थोड़े बहुत चीजों के लिए भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। बर्तन धोने के बाद मैं जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं अपने। कभी कभी तो इतनी ज्यादा जल्दी में होती हूँ कि मैं अपने कपड़े बाथरूम में ही छोड़ जाती हूँ और ड्यूटी से आने के बाद जब मुंह हाथ धोने के लिए जाती हूँ तब मुझे याद आता है कि वो शर्ट कपड़े तो मैंने डाले ही नहीं क्योंकि सुबह सुबह भागम भाग ही इतनी होती है। फिर अब मैं दिखा रही हूँ भगवान जी को आरती, दिन का कोई भी काम तो स्किप हो सकता है लेकिन ये मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती पूजा करना, क्योंकि पूरे दिन पॉजिटिविटी दिमाग में बनी ही रहती है अगर सुबह सुबह हम आरती कर लेते हैं या भगवान जी को धूप दिखा देते हैं। मेडिटेशन वगैरह तो मैं करती नहीं, लेकिन पूजा करने के बाद मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं। अभी जरूरत का सारा सामान बैग में रखने के बाद मैं सेंटर के लिए निकलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आंटी के घर जाऊंगी, खाना खाने के बाद मैं जाऊंगी सेंटर। यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस तो सिर्फ 4 किलोमीटर है और वही सोच के मैं कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि 5 से 7 मिनट तक तो मैं अपने सेंटर पे होंगी, ऐसे सोचते सोचते ही मैं हमेशा लेट कर देती हूँ 5-10 मिनट। अभी मैं पहुंची हूँ आंटी के घर और वहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता, जो कि गरम गरम आंटी मक्के की रोटी चूल्हे पे बना रही हैं और उसके साथ है साग और रायता। और वाओ, ये ब्रेकफास्ट तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे का मतलब है कि मैं अकेले रह रही हूँ तो ये ब्रेकफास्ट, ऐसा ब्रेकफास्ट मुझे मिले ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन आंटी ने तो मेरा पूरा दिन ही बना दिया। ये नाश्ता करके तो मुझे ये फील हो रहा है कि वाओ मैंने कभी ना कभी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिससे मुझे ये नसीब हो रहा है। सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, कोई जवाब नहीं है इसका। फिर मैं पहुंची हूँ अपने सेंटर और जैसा कि मैं बताती हूँ कि मेरा ये सेंटर जो है वो अभी रेंट पे है, गवर्नमेंट सेंटर पे शिफ्ट होने वाले हैं कुछ महीनों में। सेंटर पहुंचने के बाद मैंने देखे हैं कुछ मरीज और गाँव के जो भी लोग मेडिसिन लेने के लिए आते हैं उन्हें मेडिसिन से ज्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। इस दुनिया में सब अपने अपने दुखों से ही परेशान है लेकिन उनको सुनने वाला कोई भी नहीं है, सब अपनी अपनी बताने के लिए ही है। तो जो भी लोग मेरे पास मेडिसिन लेने आते हैं, कुछ दवाइयों के लिए मुझे उनकी फैमिली हिस्ट्री पूछनी पड़ती है, जैसे कि कैल्शियम लेने के लिए मैं पूछती हूँ कि आप लोगों को दूध मिल जाएगा, मतलब कैल्शियम ज्यादातर एब्जॉर्ब मिल्क के साथ ही होता है। उसके बाद जब वो अपनी प्रॉब्लम बताना स्टार्ट करते हैं वो खत्म होने का नाम नहीं लेता बिल्कुल। और गाँव के कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जिनके पास 10-20 रुपये भी नहीं होते कि अपने आप के लिए वो कुछ कर पाए। जैसे कि मैं जहाँ बैठती हूँ वो सब सेंटर है, मतलब कम्युनिटी लेवल पे ही है ये, तो यहाँ पे कुछ
डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, उसके लिए मैं उनको रेफ़र करती हूँ, तो यहाँ से 10-20 रुपये किराया लगता है जहाँ पे हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाने के लिए। तब वो ये कहते हैं कि उनके पास 10-20 रुपये तक भी नहीं है कि वो वहाँ पे जाके अपना फ्री में इलाज करा सके। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो लोग मुझसे शेयर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का तो मैं सोल्यूशन कर सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका मैं कोई सोल्यूशन दे ही नहीं सकती। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, तो ये सब सुन के मेरे दिमाग को बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक ये सब बातें सोचने लगती हूँ। हालांकि मेरी कोई उम्र नहीं है कि मेरे बच्चे मुझे घर से निकाले या मेरे साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ। घर आने और मुँह हाथ धोने के बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए खाना, जिसमें मैं बना रही हूँ सब्जी और रोटी। मैं बना रही हूँ आलू गोभी हरी प्याज की सब्जी। ऐसे तो जब मैं सब्जी लेके आती हूँ तो 2-3 दिन की सब्जी इकट्ठे ही ले आती हूँ, लेकिन फिर एक सब्जी बनाती नहीं हूँ तो दूसरी सूखना स्टार्ट हो जाती है। तो आज जितनी सब्जियाँ मेरे पास अवेलेबल थी थोड़े थोड़े सबको काट दिया और उसे बना दूंगी। हमारे यहाँ तो गोभी की पानी वाली सब्जी बनती है, तो मैं आज से ही बनाऊंगी और रोटी के साथ खाऊंगी। जब तक मेरा खाने का डिपार्टमेंट बड़े वाले टेबल पे था तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था, मतलब बनाने में भी खड़े होके बना लो। लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, रोटी बनाने के लिए भी मुझे चकले को नीचे रख के रोटी बेलनी पड़ेगी और फिर बैठ के ही सेकना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, स्टडी के लिए मुझे बड़े वाली टेबल की जरूरत थी तो इसलिए उसे हटाना ही पड़ा। अभी मैंने रोटी बना लिया है, दही भी खरीद के लेके आई हूँ। मैं लगा रही हूँ रोटी में घी, कभी कभी तो दही खुद से ही जमा लेती हूँ, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये दुकान से लेके आती हूँ, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है घर की बनी दही से। जी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और मन कर रहा थोड़ा सा चावल होता और दही भी है और सब्जी भी है, मज़ा ही आ जाता, लेकिन मैंने चावल बनाया नहीं आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।